इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैककॉन 2024 के महाराष्ट्र चैप्टर का बहुप्रतीक्षित 45वां वार्षिक सम्मेलन नागपुर के दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में होने वाला है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टर गौरव मिश्रा इनके द्वारा दी गई। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है ऑनको पैथोलॉजी पाथवेज टू प्रेसिजन हीलिंग और इसके साथ ही दो प्री कॉन्फ्रेंस सीबई भी शामिल होंगे। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्धा की घटक यूनिट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जेएनएमई सावंकी एम वर्धा और दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज डीएमएमसी नागपुर, इन दोनों विभागों के पैथोलॉजी विभाग ने 27 से 29 सितंबर 2024 तक दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। 27 सितंबर को प्री कॉन्फ्रेंस कार्यक्रमों में सीएमई के साथ साथ ऑनको पैथोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम के शुभारंभ पर एक सेमिनार भी शामिल होगा। सम्मेलन का उद्घाटन 28 सितंबर को डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, मुख्य सलाहकार डीएमआईएचईआर डॉक्टर ललित भूषण वाघमारे, कुलपति डीएमआईएचईआर डॉक्टर अरुणा वानिकर, पूर्व अध्यक्ष यूजीएमवीवी एनएमसी नई दिल्ली और डॉक्टर विक्की रुगवानी प्रशासक एमएमसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र चैप्टर आईआईपीएम के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। प्री कॉन्फ्रेंस और मुख्य कार्यक्रम के दौरान ऑनको पैथोलॉजी के विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा वैज्ञानिक विचार विमर्श, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन तथा महाराष्ट्र और अन्य स्थानों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा रिसर्च पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। 45th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ IAPM के लिए जमा हुए हैं, जिसको हम मैपकॉन 2024 कहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का सम्मिलित मिश्रण का कहा जा सकता है, जिसमें कि बहुत सारी भ्रांतियों से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई एक डिसीज़ है, कोई एक बीमारी है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे देखा जाता है और उसको माइक्रोस्कोप की तरह से सूक्ष्मता को दर्शित करके उसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, बीमारी को भापा जाता है, एक पैथोलॉजी इज़ दैट आर्ट। और उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसर्च हो रही है, जो संशोधन हो रहे हैं, उनको एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे लाने की एक चेष्टा की जा रही है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जहाँ पे जैसे कि डॉक्टर वाघा मैडम ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी दिग्गज लोग आएंगे गेस्ट लेक्चर देने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और जो ऑडियंस रहेगा, ऑडियंस भी हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, फैकल्टी रहेंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, जो क्लिनिशियंस होंगे, जो रेडियोलॉजिस्ट होंगे मेरे जैसे, तो हर एक को कुछ ना कुछ यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। और एक बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो बीमारी है, बीमारी को सूक्ष्मता से कैसे दर्शित करके देखा जाता है, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट तो बिना माइक्रोस्कोप के देखता है ना, वो टीवी पे देखता है, कंसोल पे देखता है, लेकिन वहाँ से लेके टीवी से लेके माइक्रोस्कोप तक का जो जर्नी है, जो जिसको कहते हैं कि सफ़र है, वो बहुत दिलचस्प रहता है, और ये कॉन्फ्रेंस उसी का एक दिग्दर्शक बन के सामने आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेडिकल पैथोलॉजी के लिए मैंने आया, मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज मुझे आने का मौका मिला। मैं इस अवसर पर दत्ता मेघे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दत्ता मेघे जब राज्यसभा में थे उस समय से मेरी उनकी पहचान रही, और एक समय रहा कि दत्ता मेघे जी इस मेडिकल एजुकेशन से उनका मन उब चुका था, लेकिन आज उस कैंपस को, वर्धा कैंपस को डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बना दिया, और यहाँ मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन इसलिए कह रहा हूँ कि मॉडर्न साइंस है, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, और उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ एक वार्ड है जिसमें सभी एक साथ पैथोलॉजी का कॉन्फ्रेंस है। बहुत अच्छा लगा मुझे 45th एनुअल कॉन्फ्रेंस पैथोलॉजिस्ट का बहुत महत्व है। आज ये लोग जो है बिहाइंड द कर्टन काम करने वाले हैं, यानी पेशेंट को पता नहीं रहता लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, और इनका सबका एक जगह नहीं,
और वो भी मेडिकल कॉलेज, और वो भी ऐसे मेडिकल कॉलेज में जहाँ सब सुविधाएं हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी सुविधाएं लगती है, यानी प्रेजेंटेशन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेकर ऑडियो वीडियो सब, और डिफरेंट हॉल्स, एक ही वक्त दो तीन हॉल्स में रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है एक ही हॉल रहा तो उसमें ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रेजेंट भी नहीं हो सकते। यहाँ वैसा नहीं है, हर जगह हर फैसिलिटीज़ है, एग्जीबिशन हो सकता है पोस्टर्स का। तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं कि बच्चों का रिसर्च जो मेडिकल कॉलेजेस में पैथोलॉजी में काम कर रहे हैं वो सब लोगों का रिसर्च सबके सामने आए, दुनिया के सामने आए। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रतिनिधि 30 वक्ता भाग लेंगे तथा पेपर और पोस्टरों के रूप में 225 प्रेजेंटेशन दी जाएगी। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने प्रत्येक सीएमई के लिए 2 क्रेडिट पॉइंट और मुख्य सम्मेलन के लिए 4 क्रेडिट पॉइंट दिए हैं। माइक्रो इंसाइट्स पर सीएमई नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा प्रायोजित है, जबकि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने मैककॉन 2024 के लिए यात्रा और मुद्रण लागत में सहायता की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।